चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बन पिज्जा। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बन पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए है बन, मोजरेला चीज, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, अनियन यानी कि प्याज, पिज्जा सॉस, नमक, कॉर्न्स, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना बन पिज्ज़ा। ये डाइट बन पिज्ज़ा है। इसको इसके लिए हमने जो है ब्राउन बन लिया है। ये आटे का बन है, इसको हम बीच में से काट लेंगे ऐसे। ऐसे हमने इसको बीच में से आधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये पिज़्ज़ा सॉस। ऐसे हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर लेनी है। इसके ऊपर भी हम स्प्रेड कर लेंगे इसको। अच्छे से हमने सारी साइड पे इसको लगा लेना है। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, ये हमने ग्रेट करके रखी है। थोड़े से प्याज इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं बनाना। आपके घर में कोई आए या आपका मन करे कुछ कभी पिज़्ज़ा खाने का तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। कैप्सिकम डाल देंगे, आप जो सब्जियां चाहें इसमें डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे कॉर्न्स। आजकल हेल्थ कॉन्शियस है लोग, मैदे की जो ब्रेड है और मैदे की बन लेना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमने जो है आटे के बन लिए हैं। चीज़ आप देख लें अपने हिसाब से, अगर डाइट कॉन्शियस तरीके से बनाना है ज़्यादा तो आप कम डाल सकते हैं, नहीं तो आप जितनी चाहें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम डाल लेंगे अपनी चीज़। इसके ऊपर हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो। ओरिगैनो अपनी मर्जी से, अगर आपको अच्छा लगता है ज़्यादा तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करिए इस पर। अब इसको हम अपने ओवन पे बेक करने के लिए रख देंगे। जब तक ये ऊपर से ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसको बेक करेंगे। हमने अपना बन पिज़्ज़ा जो है बेक करने के लिए रख दिया है। ये जो बन है हमने उनके लिए चूज़ किया है जो डाइट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके लिए हमने ये आटा बन यूज़ किए हैं। आप अगर आप चाहें तो चीज़ के बजाय आप थोड़ा सा पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पनीर में थोड़ी सी कैलोरी कंपैरेटिवली मोज़रेला चीज़ के कम होती है। सो यू कैन इवन यूज़ दैट पनीर इंस्टेड ऑफ मोज़रेला। आइए अब हम अपना बन देख लेते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा बन पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसे हम टमाटो सॉस के साथ गार्निश करके इसको ले सकते हैं। इसके अंदर खूब सारी वेजिटेबल्स हैं, आप चाहें तो वेजिटेबल्स थोड़ी और डाल सकते हैं और चीज़ की क्वांटिटी कम कर सकते हैं अगर आप डाइटिंग वाले जो है पॉइंट ऑफ व्यू खाना चाहते हैं तो। आप इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा डालिए और मोज़रेला चीज़ कम डालिए, या मोज़रेला चीज़ आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप उसके बजाय पनीर डालिए ग्रेट कर। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप इसे मेरी रेसिपी से बनाकर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।